हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक देखेंगे। दो मैट्रिक्स का इक्वल होना क्या होता है एंड कब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, पहली कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, उन मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो कंडीशन है वो सेम ऑर्डर होने की है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ इस मैट्रिक्स के 3/2 ऑर्डर है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/2 है। तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब फ्रेंड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट 2 की पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही आप सेकेंड बी मैट्रिक्स में देखिए, क्या उसमें 2 एलिमेंट की पोजीशन सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जी हाँ, तो इसका मतलब इसमें इन दोनों मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट की पोजीशन सेम है। ऐसे ही बाकी नंबर्स को भी देखिए, नंबर्स सेम होने चाहिए उसी सेम पोजीशन पे। देखिए 3, 3 वो भी उसी पोजीशन पे है, -1, 4, 3 एंड 5 तो ये हमारे सारे पोजीशन पे है सेम। तो इसलिए हम कहेंगे मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। तो फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे है कि आपको दी हुई है ए और बी मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस गिवन बाय दिस, फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ए इक्वल है बी के। अब फ्रेंड्स, ए इक्वल्स टू बी का मतलब होता है कि ए मैट्रिक्स के ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है बी मैट्रिक्स के, तो हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा है। देखिए, x प्लस 2 इक्वल है 4 माइनस y एलिमेंट के, तो हमने उनको इक्वल रखा है। 3y माइनस 7 इक्वल है x माइनस 3 के, तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड उन एलिमेंट्स को इक्वल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस इक्वल करने के बाद आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। जो वेरिएबल पार्ट है उसको लेफ्ट साइड ले आइए, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट साइड ले आइए। देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस y, माइनस y लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसका राइट साइड में साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है। देन 2 यहाँ पॉजिटिव है तो राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 3y माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल्स 3y माइनस 7, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड ले आइए, इसको राइट साइड ले जाइए, हमारे पास आया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस 7 प्लस 3 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 7 में से आप 3 कट करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। देन उसके बाद आपने साइन देखना होगा कि 7 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है, तो 7 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आया। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, दो लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फ्रेंड्स, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो मेथड से ये करेंगे। पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन हम लिखते हैं x प्लस 1y इक्वल्स टू 2। y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। देन सेकेंड इक्वेशन को हमने उसके नीचे रखा। फ्रेंड्स, अब देखिए, x और x यहाँ पर जो है उनके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, इनको हम एलिमिनेट
तब कर सकते हैं, एलिमिनेट मतलब काट तब सकते हैं जब एक का साइन पॉजिटिव होगा एक का साइन नेगेटिव होगा। तो हमने इसको साइन असाइन किया, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव साइन हमने दे दिया, तो अब इसका साइन नेगेटिव हो गया। जैसे इसका साइन नेगेटिव हुआ हमने इसको कट कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा एक्स वेरिएबल। अब फ्रेंड्स एक का साइन चेंज किया है तो बाकी सबके भी होंगे, लेकिन जो उसका यहाँ पर अप साइन होता है उसके अपोजिट साइन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस यूज़ करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ भी प्लस यूज़ करेंगे। तो अब इनका साइन माइनस और माइनस नहीं रहा, प्लस इनका साइन हो गया है। तो प्लस वन वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर वाई, ऐड किया हमने इनको, ऐड करके फोर वाई आया। देन टू प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स। फ्रेंड्स फोर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ तो राइट साइड जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, हमने इनको डिवाइड करके हमें मिला थ्री बाय टू। तो फ्रेंड्स वाई की वैल्यू आई है थ्री बाय टू। अब फ्रेंड्स हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है थ्री बाय टू। वाई की वैल्यू निकालने के बाद हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर, जो हमारी फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं उसमें से किसी के भी अंदर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया है, पुट वाई इक्वल्स टू थ्री बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने वाई की जगह पे रखा थ्री बाई टू। फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट्स को साथ में लेकर आते हैं तो ये यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, टू के नीचे हम वन मान लेंगे, वन और टू का एलसीएम होगा टू, तो वन को टू बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम हमें सेम चाहिए होता है, इसके साथ भी टू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको टू की मल्टीप्लाई करेंगे, टू की मल्टीप्लाई फिर ऊपर भी होगी, हमारे पास ये हो गया फोर, फोर माइनस थ्री सॉल्व करके आया वन अपॉन में टू, तो एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आई वन बाय टू। तो ऐसे ही हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू है वन बाय टू एंड वाई की वैल्यू है थ्री बाय टू। अब फ्रेंड्स हमने एलिमिनेशन मेथड देखा कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस फोर। फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू है ये, हम वाई को राइट साइड लेकर आए तो हमारे पास आया टू माइनस वाई एक्स की वैल्यू। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू माइनस वाई, हमने इसको वन मान लिया है रोमन में, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे टू माइनस वाई। देखिए यहाँ पे हमने इसको पुट किया, आप जब भी कोई वैल्यू पुट करें उसको ब्रैकेट में ही रखें, ब्रैकेट में रखने के बाद देन उसको ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे आगे नेगेटिव साइन होने की वजह से अंदर वाली की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपने उसको सॉल्व करना है, जितना भी कांस्टेंट पार्ट है एंड वेरिएबल पार्ट है उनको साथ में रखते हैं। यहाँ पर माइनस वाई माइनस थ्री वाई सॉल्व होकर माइनस फोर वाई हो जाएगा। अब हम टू को राइट साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, हमारे पास आया माइनस फोर माइनस टू, सॉल्व किया तो माइनस सिक्स, जैसे ऊपर किया था वैसे ही इसको सॉल्व किया है, माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन ग्रेटर का आएगा विच इज़ फोर। देन माइनस फोर यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, सिक्स और फोर को कट किया तो हमारे पास थ्री बाई टू आया। तो फ्रेंड्स वाई की वैल्यू क्या आई थ्री बाई टू। अगेन हम इसको पुट करेंगे, वाई की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, हमने पुट किया तो हमारे पास आया टू माइनस थ्री बाई टू, एक्स की वैल्यू हो गई वन बाय टू। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व किया है कि टू के नीचे वन मानते हैं, देन वन और टू का एलसीएम हो गया टू, वन के साथ इनटू करेंगे टू की, क्योंकि हमें वन को टू बनाना होता है, देन ऊपर भी टू की मल्टीप्लाई हुई तो फोर हुआ, ये फोर माइनस थ्री वन हो गया, तो वन बाय टू हमारी वैल्यू हो गई एक्स की। तो फ्रेंड्स हमने ऐसे वाई की वैल्यू भी निकाल ली है, एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, दोनों ही मेथड से, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। आप किसी भी मेथड का यूज़ कीजिए आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप उसको कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।